हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग नव भारती परिवार और मैं स्वयं आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। रनिंग चैप्टर अपना नए साझेदार का प्रवेश, लेसन नंबर 2, लेक्चर नंबर आज 16 है। पिछले दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के ऊपर छाती का लेखांकन कैसे किया जाता है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन बताया। आज के इस वीडियोस के अंदर उसको और क्लियर करने के लिए अपन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि राजस्थान बोर्ड के अंदर दिए हुए हैं, आप उनको एग्जाम्पल्स में उदाहरण के अंदर देख सकते हैं। आप लोगों को पहले एग्जाम्पल्स सॉल्व करने चाहिए, उन एग्जाम्पल्स के अंदर से जो टिपिकल एग्जाम्पल है वो कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दो पार्टनर हैं ए और बी, 4:3 के अंदर, 4:3 रेशो के अंदर सी को एडमिशन दिया, सी फॉर हाउ मच, मैंने यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, सी को कितने के लिए प्रवेश दिया ये क्लियर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो दिया हुआ है, नया अनुपात किसका दिया हुआ है, ए बी और सी का 3:2:2। ये जो सी है ये अपने हिस्से की ख्याति लाने में असमर्थ है, अपने हिस्से की गुडविल ये नगद नहीं ला पाया, और सी के प्रवेश के ऊपर ख्याति का मूल्यांकन 28,000 रुपए के ऊपर किया गया। क्वेश्चन कह रहा है जनरल एंट्रीज दीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इस न्यू रेशो के अंदर अपन देख रहे हैं कि ए बी और सी का नया अनुपात 3:2:2 है, तो सी कितने के लिए आया, 2/7 के लिए। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह को मैं यहां हटा देता हूं, इसका मतलब सी कितने के लिए आया, 2/7 हिस्से के लिए इसको एडमिशन दिया गया। ख्याति का मूल्यांकन कितने के ऊपर किया गया, 28,000 रुपए के ऊपर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया। तो इस 28,000 रुपए के अंदर से ये अपना 2/7 हिस्सा गुडविल का लेके आएगा, 28,000 रुपए के अंदर से इसका हिस्सा 2/7, 2/7 7 4 28, यानी कि इसके हिस्से की गुडविल कितनी आई, 8,000 रुपए ये लाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये नगद में लाने में असमर्थ है, नगद में लाने में असमर्थ है और न्यू रेशो अपन को दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर नई फर्म का न्यू रेशो यदि दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना चाहिए। यदि ये नया रेशो नहीं होता तो इनका पुराना अनुपात 4:3 ही इनका सैक्रिफाइस रेशो माना जाता, ये सब अपन चर्चा कर चुके हैं। तो गुडविल की एंट्री करने से पहले सबसे पहले अपन त्याग का अनुपात यानी सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम बाद में भूल सकते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशो, एस स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की बात करूं, यदि ए की बात करूं तो ए का ओल्ड रेशो कितना है, 4/7, ए को पहले मिल रहा था 4/7 और इसका जो न्यू रेशो है वो कितना है, 3/7। तो 4/7 में से 3/7 माइनस कर देंगे तो इसका पर्सनल सैक्रिफाइस आ जाएगा। और इसी तरह से बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बी का ओल्ड रेशो कितना है, 3/7 है, तो पहले इसको मिल रहा था 3/7 और एडमिशन के बाद में इसका जो नया अनुपात है वो 2/7 है, इसके अंदर से मैं 2/7 माइनस कर दूंगा। एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 1 जा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 7 1 जा 1 3 जा 3, 7 1 जा 1 3 जा 3, 7 1 जा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2,
चार में से तीन गया तो एक और तीन में से दो गया तो एक, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो गया, एक अनुपात एक हो गया। सैक्रिफाइस एक अनुपात एक का मतलब क्या है कि ये जो दो बटा सात हिस्सा लेगा, दो बटा सात का 50% एक वन इज टू वन, इसका मतलब एक बटा दो तो लेगा एक से, और दो बटा सात का एक बटा दो हिस्सा किससे लेगा, बी से लेगा। अब स्टूडेंट्स जो न्यू पार्टनर है वो अपना हिस्सा नगद में लाने में असमर्थ है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जब पार्टनर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लाने में असमर्थ होता है तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर जनरल एंट्री पास करूंगा, तू नहीं तो तेरा करंट अकाउंट देगा, तो सीज करंट अकाउंट एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट DR। कितने रुपए देगा ये, 28,000 रुपए के अंदर से इसका दो बटा सात हिस्सा 8,000 रुपए था, तो ये 8,000 रुपए इसको डेबिट कर देंगे, और ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है तो इन दोनों पे अपन जमा कर देंगे। तो मैं एंट्री करूंगा टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। इस 8,000 रुपए को सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर 1:1 दो चो 8 4,000 रुपए फर्म इसके अकाउंट में जमा कर देगी और 4,000 रुपए इसके अकाउंट में जमा कर देगी। ये सी का करंट अकाउंट डेबिट करना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, अदरवाइज जो आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, सीज करंट अकाउंट DR 8,000 रुपए टू एज कैपिटल 4,000 एंड टू बीज कैपिटल 4,000। अभी अपन कुछ क्वेश्चन और करेंगे बोर्ड के ऊपर, केयरफुली फिजिकली और मेंटली अपनी प्रेजेंस बनाए रखें और देखते रहें। स्टूडेंट्स इसके बाद में मैं राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर से एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 45 के ऊपर दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, ए और बी 2:1 के अंदर साझेदार हैं, सी को 1/5 हिस्से के लिए एडमिशन दिया जाता है, 1/5 हिस्से की गुडविल सी को कितनी बताई, 4,200 रुपए। 4,200 रुपए की गुडविल में से वो 3,000 रुपए तो नगद लेके आ गया, तो उधार कितनी रही, 4,200 रुपए के अंदर से 3,000 रुपए मैंने लेस कर दिए, तो 1,200 रुपए की गुडविल ये नगद में लाने में असमर्थ रहा, यानी कि उधार गई। और क्या इंफॉर्मेशन है कि जिस दिन सी को एडमिशन दिया उस दिन उनकी बैलेंस शीट में, किसकी बैलेंस शीट, ए और बी के अंदर ख्याति खाता 6,000 रुपए से पहले से विद्यमान था, यानी कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ करने के लिए मैं जनरल एंट्री नंबर 1 करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड फर्म ओल्ड रेशियो के अंदर राइट ऑफ की जाती है, तो ओल्ड फर्म क्या है, ए और बी, तो मैं एंट्री करूंगा एज कैपिटल अकाउंट DR और बीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो DR, और ये गुडविल कितने रुपए के ऊपर दी हुई है, 6,000 रुपए के ऊपर दी है, तो मैं गुडविल को जब राइट ऑफ करूंगा तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एसेट्स कम हो गई, तो ये टू गुडविल अकाउंट 6,000 रुपए। ओल्ड फर्म ओल्ड रेशियो के अंदर 6,000 रुपए की गुडविल, इनका ओल्ड रेशियो 2:1 है, इसके अंदर मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2:1, 3 से इसको काटूंगा तो 3×2 2,000 से कट गया, 2,000 को 2 से गुणा करूंगा तो ये 4,000 रुपए और 2×2। इस तरह से पहली जो जनरल एंट्री है राइट ऑफ करने के लिए करेंगे, अदरवाइज अपन बाद में क्या होता है कई बार अपन भूल जाते हैं। तो पहली एंट्री हुई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, बीज कैपिटल अकाउंट DR 2,000 एंड टू गुडविल अकाउंट। अब इसके बाद में ये जो एंट्री है स्टूडेंट्स अपन ध्यान से देखेंगे, गुडविल की एंट्री करने से पहले सैक्रिफाइस रेशियो हमारे दिमाग में होना चाहिए,
इस क्वेश्चन में क्या है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही क्या माना जाएगा, इनका सैक्रिफाइस रेशियो माना जाएगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। इसको अपन दोबारा से अपन को लिख लेना चाहिए, सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या होगा, 2:1। अब 4,200 रुपए की गुडविल में से ये 3,000 रुपए नगद ले आया, तो मैं इसकी एंट्री कैसे करेंगे, करने का तरीका आप देखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट DR कितने रुपए, 3,000 रुपए नगद लाई गई गुडविल हो और चाहे उधार गुडविल हो, दोनों तरह की गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो दोनों ने सैक्रिफाइस किया है तो मैं यहां पर जो एंट्री करूंगा वो एंट्री करूंगा 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो के अंदर, पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात है, जब 2:1 के अंदर मैं इस 3,000 रुपए को डिवाइड करूंगा तो 2,000 रुपए इसको मिल जाएंगे और 1,000 रुपए इसको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स कुछ इसके अंदर मिस्टेक हो गई है, नगद के लिए मैं ये एंट्री नहीं होगी और इसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कैश अकाउंट DR टू गुडविल। ये नगद गुडविल 3,000 रुपए की ले आया, अब ये 3,000 रुपए की जो गुडविल है सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो मैं गुडविल अकाउंट को DR कर दूंगा, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR 3,000 रुपए और त्याग के अनुपात में बांट देंगे तो 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट। जब मैं 3,000 रुपए को त्याग के अनुपात 2:1 में डिवाइड करूंगा तो इसको मिलेंगे 2,000 रुपए और इसको मिलेंगे 1,000 रुपए। ये नगद लाने की हो गई और ये नगद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की हो गई। अब उधार गुडविल कितनी है, 1,200 रुपए की गुडविल उधार है और ये उधार गुडविल भी त्याग के अनुपात में बटेगी और एंट्री के अंदर क्या होगा, तू नहीं तो तेरा करंट अकाउंट देगा। तो इस गुडविल अकाउंट को जो मैंने DR किया है इसके लिए, उधार गुडविल के लिए मैं एंट्री करूंगा नए पार्टनर का करंट अकाउंट DR, यानी कि सीज करंट अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट को DR नहीं करेंगे। उधार कितनी है, 1,200 रुपए की गुडविल उधार है, ये 1,200 रुपए की गुडविल भी त्याग के अनुपात में जब मैं बांटूंगा तो 1,200 और त्याग का अनुपात 2:1, 3×4=12, तो 4×2=800 रुपए, 800 रुपए इसको और मिल गए और इसी तरह से 400 रुपए इसको मिल जाएंगे। तो एंट्री क्या बनी, गुडविल अकाउंट DR 3,000 रुपए, सीज करंट अकाउंट DR 1,200 रुपए, 2A's कैपिटल, ए का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा, 2,800 रुपए से, और 2B's कैपिटल कितने रुपए से क्रेडिट होगा, 1,400 रुपए से। इस डेबिट का टोटल कितना हो रहा है, डेबिट का टोटल हो रहा है 4,200 रुपए और जितने रुपए से डेबिट होगा उतने रुपए से ही क्रेडिट होगा। क्रेडिट ए हुआ 2,800 रुपए से और बी कितने रुपए से हुआ, 1,400 रुपए से। तो यदि मैं इसको ऐड करता हूँ, 8×4=12 का 2×1=2×2=4, इस तरह से स्टूडेंट्स ये एंट्री इस क्वेश्चन की हो जाएगी। स्टूडेंट्स इससे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका हिंदी एडिशन पेज नंबर 45 के ऊपर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ए और बी 3:2 के अंदर पार्टनर हैं, सी को 3/13 हिस्से के लिए एडमिशन दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो दिया हुआ है ए बी और सी का, यानी कि नई फर्म का नया अनुपात 5:5:5:3 दिया हुआ है, 5 और 5 10 और 3 13। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल चीज क्या है कि सी जो नया पार्टनर आया है अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल के लिए, ध्यान देना, अपने हिस्से की
यानी कि 3/13 हिस्से की कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए स्टॉक लाया है 12,000 रुपए का, फर्नीचर लाया है 30,000 रुपए का, और जो मशीनरी लाया है वो कितने की लाया है, 80,000 रुपए की लाया है। यानी कि अपनी पूंजी और ख्याति के लिए कुछ संपत्तियां लेके आया है, टोटल कैश को नहीं ला पाया है। सी के प्रवेश के ऊपर ख्याति का मूल्यांकन 2,60,000 रुपए के ऊपर किया गया, तो ख्याति का मूल्यांकन करके सॉरी ख्याति का मूल्यांकन 2,60,000 रुपए के ऊपर किया गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए जनरल एंट्रियां दीजिए। सबसे पहली बात, ख्याति का मूल्यांकन 2,60,000 रुपए के ऊपर किया गया है, तो 2,60,000 रुपए की गुडविल के अंदर से सी को कितने के लिए एडमिशन दिया, 3/13 के लिए, तो ये अपना 3/13 हिस्सा लाएगा, 13 × 26 20 दिया 60,000 रुपए, 60,000 रुपए इसके हिस्से की क्या हो गई, गुडविल हो गई, इसके हिस्से की गुडविल 60,000 रुपए हो गई। और अपनी गुडविल और कैपिटल के लिए ये निम्नलिखित संपत्तियां लेके आया है, तो जब वो नगद लेके आता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट आर ऑल्सो द रियल अकाउंट, सो वी विल अप्लाई द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने के ऊपर डेबिट करो और कमी होने के ऊपर क्रेडिट करो। तो मैं पहली एंट्री क्या करूंगा, स्टॉक अकाउंट डीआर स्टॉक कितने रुपए का लाया, 12,000 रुपए का, फर्नीचर अकाउंट डीआर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर अकाउंट डीआर कितने रुपए से, 30,000, फर्नीचर अकाउंट को 30,000 रुपए से डेबिट कर दिया, और क्या लाया, मशीनरी अकाउंट डीआर कितने रुपए से, 80,000 रुपए से। यानी कि ये कुल कितने रुपए की संपत्ति ले आया, यदि मैं इनका टोटल करूं तो 000 2×2 1 और 3 4 और 8 12 122,000 रुपए की ये संपत्ति लेके आया, किसके लिए, गुडविल के लिए और पूंजी के लिए। तो मैं एंट्री करी स्टॉक अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, मशीनरी अकाउंट डीआर और टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का हिस्सा मैंने कितना निकाला था इसका, 60,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स 122,000 रुपए की एसेट्स के अंदर से 60,000 रुपए की तो इसकी गुडविल है, तो 122,000 रुपए के अंदर से मैं 60,000 यदि गुडविल के लेस कर देता हूं तो ये 000 2 और 12 में से 6 गया तो 6, तो इसके हिस्से की कैपिटल कितनी हुई बैलेंसिंग फिगर से, यानी कि कैपिटल के लिए ये 62,000 रुपए की संपत्तियां लाया, तो मैं यहां पर एंट्री करूंगा टू किसकी कैपिटल, सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना, 62,000। तो एंट्री क्या बनी स्टूडेंट्स, जो पहली एंट्री बनी स्टॉक अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर 30,000, मशीनरी अकाउंट डीआर 80,000 रुपए और टू गुडविल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर में से निकाला। 122,000 रुपए के अंदर से 60,000 रुपए जो इसकी ख्याति का हिस्सा था इसको लेस कर दिया, तो बट नेचुरल ये जो 62,000 रुपए का जो फिगर आया है ये बैलेंसिंग फिगर से आया है। आशा करता हूं कि आपके ये एंट्री समझ में आ गई होगी, इससे अगली जर्नल एंट्री कौन सी होगी ये अभी अपन करेंगे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो दिया हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर यदि न्यू रेशो दिया हुआ है तो सबसे पहले गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड यानी पुराना अनुपात, तो ए को पहले कितना मिल रहा था,
ए को पहले मिल रहा था 3/5 और न्यू रेशियो के अंदर इसका हिस्सा कितना है 5/13 और बी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 और इसका न्यू रेशियो कितना है 5/13। इसके अंदर से इसको लेस कर देंगे एलसीएम कितना आएगा 13 को 5 से गुणा कर देंगे तो 13 × 5 = 65 5 का पाड़ा 65 के अंदर करेंगे तो 13 × 5 = 65 होते हैं। 13 से कट गया 13 को 3 से गुणा किया तो 13 × 3 = 39 -13 × 5 = 65 25 यानी कि 39 − 25 और यहाँ पर 5 का पाड़ा 65 में तो 13 × 2 = 26 -13 × 5 = 65 5 को इससे गुणा किया तो 5 = 25 तो सैक्रिफाइस रेशो स्टूडेंट्स क्या आया 9 में से 5 गए तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1 और 26 में से 25 गया तो 1। ये हमारे पास में सैक्रिफाइस रेशो कितना आ गया 14:1। तो ये जो गुडविल है 60,000 रुपए ये त्याग के अनुपात में बटेगी 14:1 के अंदर बटेगी। अभी मैं इसकी जनरल एंट्री बोर्ड के ऊपर करता हूं, आप वीडियो के अंदर बने रहे। तो स्टूडेंट्स अपनी ख्याति और पूंजी के लिए ये संपत्ति लाया था, इसके अंदर गुडविल अकाउंट ये कितनी मैंने रुपए 60,000 रुपए से इसको मैंने क्रेडिट किया था। अब ये 60,000 रुपए की जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर यानी कि जिन साझेदारों ने जिन पुराने साझेदारों ने सैक्रिफाइस किया है उनके बीच में उनके सैक्रिफाइस रेशो के अंदर डिवाइड होगी। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ ये गुडविल अकाउंट मैंने क्रेडिट किया था, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो गुडविल अकाउंट डीआर हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डीआर 60,000 टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ये 60,000 रुपए की गुडविल सैक्रिफाइस रेशो जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 14:1, तो इसको 14:1 में जब मैं डिवाइड करूंगा तो 15×6 = 60 और 14×6 = 56,000 रुपए फर्म इसके अकाउंट में जमा कर देगी और 4×1 = 4,000 रुपए इसके अकाउंट के अंदर जमा कर देगी। और इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। अभी अपन एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप जो ये जो गुडविल का पोर्शन है ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि हिंदी एडिशन के अंदर पेज नंबर 46 के ऊपर दिया है, क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशो नहीं दिया हुआ है। तो जब भी रेशो नहीं दिया होता है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल, यानी कि ए और बी किस रेशो के अंदर थे 1:1 के अंदर पार्टनर थे। सी को एडमिशन दिया 1/5 हिस्से के लिए और ये 1/5 हिस्से के लिए अपनी कैपिटल कितनी लेके आता है 20,000 रुपए कैपिटल लेके आता है। जिस दिन इसको एडमिशन दिया उस दिन ए की कैपिटल 40,000 रुपए थी और बी की कैपिटल कितनी थी 30,000 रुपए 30,000 थी। क्वेश्चन कह रहा क्या है कि ख्याति का मूल्यांकन कीजिए और जनरल एंट्रीज दीजिए। स्टूडेंट्स अभी अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं सब अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। बाकी के बचे हुए जो एग्जाम्पल है यदि आपने इनको समझ लिया तो आप अपने लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है, छिपी हुई ख्याति का है, अनुमानित ख्याति का है। तो सबसे पहले अपन ख्याति का जो मूल्यांकन करेंगे उसके लिए फॉर्मूला रखेंगे और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हिडन गुडविल का जो फॉर्मूला है हिडन गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कैपिटल और टू बी नए साझेदार के हिस्से के आधार के ऊपर टोटल कैपिटल किसकी होनी चाहिए और माइनस एक्चुअल कैपिटल, टोटल एक्चुअल कैपिटल
एक्चुअल कैपिटल को इसमें से लेस कर देंगे तो ख्याति का मूल्यांकन हो जाएगा। अब मैं इस ब्रैकेट को फॉलो करूंगा और मैंने पिछले वीडियोस के अंदर बताया था कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यू पार्टनर नए साझेदार की कैपिटल को इसका रेसिप्रोकल, सी को कितने हिस्से के लिए एडमिशन दिया, 1/5 के लिए, तो मैं 1/5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 5/1 माइनस। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक्चुअल कैपिटल कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल लेंगे, समायोजित पूंजी लेंगे। क्वेश्चन के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ए और बी की जो कैपिटल है, ए की 40,000 रुपए और बी की कितनी है, 30,000। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ए की कैपिटल कितनी है 40,000 रुपए प्लस बी की कैपिटल कितनी है 30,000 रुपए प्लस सी को 1/5 हिस्से के लिए एडमिशन दिया, तो सी कितने रुपए की कैपिटल लाया, 20,000 रुपए की। तो ये 20,000 रुपए भी अपन इसके अंदर एड कर देंगे। इसको अपन सोल्व करेंगे तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, 20,000, ये 20,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 5/1 माइनस ये कितनी हो गई 40 और 30 70 और प्लस 20 ये 90,000 रुपए। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो 20,000 को 5 से गुणा करूंगा तो कितने रुपए आ जाएंगे, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए के अंदर से 90,000 रुपए यदि मैं लेस कर दूंगा तो 1,00,000 में से 90,000 लेस करूंगा तो ये पहला आंसर अपने पास में आ गया, एंड आंसर नंबर 1 यानी कि छिपी हुई ख्याति या अनुमानित ख्याति कितने रुपए की है, 10,000 रुपए की ख्याति है। और इस 10,000 रुपए की ख्याति के अंदर से नया पार्टनर अपना हिस्सा लेके आएगा। एंट्री कैसे करेंगे अभी देखेंगे। स्टूडेंट्स, छिपी हुई ख्याति का मूल्यांकन 10,000 रुपए के ऊपर किया गया, सी को एडमिशन दिया गया 1/5 हिस्से के लिए, तो इस 10,000 रुपए की गुडविल के अंदर से ये अपना हिस्सा 1/5, इसको 1/5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5×2 = 10, ये 2,000 रुपए इसको अपने हिस्से की गुडविल के लाने पड़ेंगे। अब जनरल एंट्री क्या होगी, तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि छिपी हुई ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है, जब भी नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति नगद में लाने में असमर्थ होता है तो छिपी हुई ख्याति को कैलकुलेट किया जाता है। एंड इन दिस क्वेश्चन सी इज ऑल्सो अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नगद में लाने में असमर्थ है तो तू नहीं तो तेरा करंट अकाउंट देगा, ये डायलॉग आपको याद रखना है। तो नया पार्टनर कौन है, एंट्री होगी सी इज करंट अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट को DR नहीं करेंगे, नहीं तो उसकी पूंजी कम हो जाएगी। सी इज करंट अकाउंट DR, इसका हिस्सा कितना है 2,000 रुपए, और यानी कि ये उधार है, और उधार गुडविल भी किस रेशो में डिवाइड होगी, सैक्रिफाइस रेशो कैसे डिवाइड होगी, ए और बी के बीच में। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है, नई फर्म का न्यू रेशो नहीं है, तो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही इनका सैक्रिफाइस रेशो माना जाएगा, और वो क्या है, 1:1 है, यानी कि 1/2 और 1/2, 2000 का 1/2 कितना 1,000 रुपए, और इसका भी 50% कितना हो जाएगा 1/2। तो ये एंट्री गुडविल को उसके सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करने के लिए मैंने कर दी। सी इज करंट अकाउंट DR, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, और इस तरह से ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर मैंने मेरी पूरी कोशिश की कि जो भी थोड़े टिपिकल एग्जाम्पल थे वो मैं सॉल्व करवा दूं ताकि आप बचे हुए एग्जाम्पल अपने आप सॉल्व कर सकें। अनसोल्ड के अंदर जो गुडविल के क्वेश्चन दिए हुए हैं
लघु उत्तरात्मक और अति लघु उत्तरात्मक, उसमें से आप क्वेश्चन अनसोल्ड देखें और उनको सोल्व करने की कोशिश करें। और ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इनको एक बार अपने लेवल के ऊपर आप खुद अपने हाथ से इसको सोल्व करें, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो बाद में आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं, फिनिश करता हूं, और आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इट्स ओवर।